कोरोना महामारी के चलते हुए जिस तरीके से कोविड केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर जो प्रशासन द्वारा वीकेंड लॉकडाउन जो है जारी है आज। हालांकि दुकानों को लेकर अगर बात हम करें तो ऑलमोस्ट सब दुकानें जो हैं आज बंद हैं, सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज जो दुकानें हैं एसेंशियल कमोडिटीज़ की सिर्फ वही खुली हुई हैं, बाकी नॉन एसेंशियल सब जितनी भी दुकानें हैं सब बंद हैं। ट्रांसपोर्टेशन को लेकर हालांकि किसी तरीके का कोई प्रतिबंध अभी नज़र नहीं आता, क्योंकि गाड़ियां जो हैं वो आम सामान्य तरीके से चल रही हैं, जो पैसेंजर कैरिंग व्हीकल्स हैं वो भी चल रही हैं, मेटाडोर बसेस वो अपने सामान्य रूप से चल रही हैं, वहाँ पर कुछ इतना असर नज़र नहीं आता। लेकिन जहाँ तक दुकानों की अगर बात करें तो दुकानें लगभग हर एक एरिया में बंद हैं, चाहे पुरानी मंडी, रघुनाथ बाज़ार और साथ में राजतिलक रोड, परेड, जीवल चौक, जितने भी जो अहम जो मार्केट्स हैं पूरे जम्मू सिटी की और सिटी के साथ जितने भी हैं वो सब जो हैं बंद हैं। और लॉकडाउन को एक तरह से पूरे जिस तरीके से गाइडलाइन जारी की गई थी कि दुकानें बंद रहनी चाहिए, उस तरीके से जो है वो बंद है। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन जो है वो अभी भी चल रही है। लोगों से बात करते हुए उन्होंने काफ़ी इसमें अपनी नाराज़गी जताई कि जिस तरीके से लॉकडाउन यहाँ पर प्रशासन द्वारा लगाया गया है ये इफ़ेक्टिव नहीं है, अगर इस तरीके से ही लगाना है तो दुकानों को भी खुलने की इजाज़त होनी चाहिए।